नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से। आरटीओ चेक पोस्ट के अवैध वसूली को लेकर ट्रक एसोसिएशन ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। ट्रक एसोसिएशन के द्वारा अवैध वसूली का विरोध करने पर रामनगर आरटीओ प्रभारी ने थाने में की झूठी शिकायत। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं भारी संख्या में मोटर मालिकों ने अनूपपुर में दिनांक 21 अक्टूबर को अवैध वसूली एवं मोटर मालिकों के ऊपर थाने में झूठी शिकायत के खिलाफ अनूपपुर पुलिस अधीक्षक महोदया को ज्ञापन सौंपा और एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही न करने की स्थिति में दिनांक 29 अक्टूबर से ट्रक एसोसिएशन रामनगर आरटीओ बैरियर पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए। क्या कहा ट्रक एसोसिएशन यूनियन अध्यक्ष रामजी मिश्रा ने, देखिए। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आप लोग अंदर बैठे, कितने दिन हो गए आप लोग आज बैठे? आज हमको यहाँ पे लगभग 3 दिन हो गए 4 पैसे कमाने के लिए। इसके बाद पे ये जो रामनगर आरटीओ चेक पोस्ट यहाँ पे स्थित है, यहाँ के प्रभारी हैं श्रीमती ऋतु शुक्ला। तो गाड़ी के पूरे पेपर होने के बावजूद भी और गाड़ी अंडरलोड भी होती है, फिर भी इनके जो एवज पे जो उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं तो एंट्री की मांग की जाती है। अगर एंट्री के लिए हम विरोध करते हैं, विरोध करने के बावजूद तो उनके द्वारा गाली गलौज मारपीट की जाती है। हमारे कुछ गाड़ियां चल रही हैं हल्दी बाड़ी साइडिंग से आरओ के लिए, उन गाड़ियों में ओवरलोड माल जाता है, गाड़ियों में तिरपाल बिना लगाए कोयला जा रहा है, ओवरलोड ओवर हाइट रहती है, कभी भी कोई कोयला गिर जाए, बगल का आदमी कोई चोटिल हो जाए, पूरे नियम को उल्लंघन करती हैं मैडम। उन गाड़ियों को इसलिए ऐसा चलने दिया जा रहा है कि उनसे बढ़िया बराबर पैसे की वसूली करती हैं, उन्हें सुविधा देती हैं, उसके एवज में अवैध रूप से पैसा पाती हैं। अगर आप लोग की मांग पूरी